भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड 19 के अभी तक के सर्वाधिक 26,506 नए मामले सामने आए हैं, जिनके साथ शुक्रवार सुबह तक संक्रमण के कुल मामले 7,93,802 हो गए हैं। इनमें से 2,76,685 सक्रिय मामले हैं, जबकि 4,95,513 लोग ठीक डिस्चार्ज या माइग्रेट हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 475 मौतों के साथ कुल मृतकों की संख्या 21,604 हो गई है। हिस्ट्री ट्वीटर विकास दुबे के मारे जाने के बाद कानपुर में उसे पकड़ने के लिए हुई रेड में मारे गए पुलिसकर्मी जितेंद्र कुमार के पिता ने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन का धन्यवाद करता हूं, मैं आज बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मेरे बेटे की शहादत व्यर्थ नहीं गई, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। पंजाब नेशनल बैंक को एक बार फिर लोन घोटाले का सामना करना पड़ा है। बैंक ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को दिए 3,688.58 करोड़ रुपए के लोन को फ्रॉड घोषित किया है। इससे पहले नीरव मोदी और मेहुल चौकसी बैंक को 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा चुके हैं। बैंक ने गुरुवार को बताया कि उसने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एनपीए खाते में 3,688.58 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के बारे में जानकारी आरबीआई को दे दी है। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन की सेना में पीछे हटने पर सहमति बन गई है। दोनों देशों की सेना पेंगोंग झील से पीछे हटेगी। चीन की सेना फिलहाल गोगरा और हॉट स्प्रिंग से 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। वह पेंगोंग झील के फिंगर 4 से फिंगर 5 की ओर बढ़ रही है। वहीं भारतीय सैनिक भी फिंगर 4 से फिंगर 3 पर आ गए हैं। सूत्रों ने कहा है कि कुछ समय के लिए फिंगर 4 नो पेट्रोलिंग जोन रहेगा। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि पर्यटक अपनी कोविड 19 नेगेटिव रिपोर्ट लेकर राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में संक्रमण को रोका जा सकेगा और राज्य में पर्यटन क्षेत्र में काम करने वालों को फिर से रोजगार मिलेगा। वहीं चार धाम यात्रा करने की अनुमति फिलहाल उत्तराखंड के निवासियों को है।